अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यॉर्कर्स। दोस्तों क्या हाल चाल है? दोस्तों आज हम प्रोग्राम करेंगे, हमारा जो एजेंडा है प्रोग्राम का, वो इंग्लैंड ने जो ऑफर की है पाकिस्तान और इंडिया को टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, कि इंग्लैंड में आके टेस्ट सीरीज़ खेलें, उस सिलसिले में हम बात करेंगे। और पाकिस्तान की जो 5वें T20 इंटरनेशनल में सिलेक्शन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक नए मेहमान नदीम भाई मेरे साथ मौजूद हैं, हम नदीम भाई से बात करेंगे। नदीम भाई का एनालिसिस हम लेंगे, उनका क्या ख्याल है टीम सिलेक्शन के ऊपर, वो अपनी राय का इजहार करेंगे। और अब्दुल्ला भाई मेरे साथ मौजूद है एज यूजल, अब्दुल्ला भाई से भी उनकी राय का इजहार लेंगे करेंगे वो। और हम बात करते हैं सबसे पहले नदीम भाई से। नदीम भाई सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नदीम भाई, मुझे ये बताएंगे, इंग्लैंड ने जो ऑफर करवाई है पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, कि आप टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में आके खेल सकते हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेल सकते, आप इसको कैसे देखते हैं? कोई बात से नहीं तुम्हारे नदीम जैसे भाई, ये आपका मुझे अपना तो चैनल है। फायदा नदीम भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सबसे अच्छी चीज हो, सही है। लेकिन अगर इंग्लैंड में वो ये लोग सफर कर रहे हैं तो चाहिए कि दोनों को मेल कर दिए, तो क्रिकेट लवर हैं वो, तो एंटरटेनमेंट जो है वो देखना चाहते हैं, और नदीम भाई, क्या के मैसेज जो है वो आपको बताएंगे। नदीम भाई और क्रिकेट तो है, क्रिकेट के लवर्स भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं नदीम। वो नदीम भाई वो क्रिकेट लवर्स तो हैं, क्रिकेट के लवर्स फैंस हैं इंग्लैंड में भी, पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन बात उधर पैसा भी तो इन्वॉल्व है ना। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा तो वो कितना बोर्ड इंग्लैंड को कितना फ़ायदा होगा पैसे का, कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसको। जी जी कैन यू हेयर, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। मुझे सुन सकते हैं आप? जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको, आप बोलें। जी जी चले मैं अब्दुल्ला भाई से, अब्दुल्ला भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं नदीम भाई आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताएं, जो इंग्लैंड ने ऑफर की है पाकिस्तान और इंडिया को टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नदीम भाई हो जाती है ठीक, वो नेटवर्किंग का इशू आ रहा है, वो इंशाल्लाह कर रही है हमारी टीम, आपकी नेटवर्किंग को चेक कर रही है। जी, अब्दुल्ला भाई जी बोलें। अब्दुल्ला भाई आप, ऐसा ही है। मेरा ये ख्याल है कि फैंस चाहते हैं कि बायलेटरल सीरीज में विराट कोहली को बैटिंग करना चाहिए, वही मेरे ख्याल में रविंद्र जडेजा को जो है वो बॉलिंग और बैटिंग करके देखें, इसके अलावा ऋषभ पंत को जो है फैंस बहुत ज्यादा लाइक करते हैं पाकिस्तान में, अब तो सूर्या कुमार यादव जो 360 प्लेयर है उनको भी देखना चाहते हैं क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो एबी डिविलियर्स से मैच करती यार है। टेस्ट सीरीज मेरा की ये बात ख्याल, हो रही है अब्दुल्ला भाई, वनडे इंटरनेशनल T20 की बात नहीं हो रही। लेकिन मिसा बात, को देखें, लेकिन हारिस को अब, खेलें, लेकिन इसमें बात यह है कि क्या ये दोनों बोर्ड या दोनों गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी कि अपनी टीमें उधर भेजें और बायलैटरल सीरीज उधर खेलें जाके? डिपेंड तो करता है बोर्ड के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तो कभी कोई इशू नहीं आया इस मामले में, वो तो बल्कि हमेशा जो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के, आप जो है वो इंडिया जाके खेलें, कभी गवर्नमेंट ने भी मना नहीं किया। पाकिस्तान ने जो है वो जाके एशिया कप भी खेला इंडिया में, वर्ल्ड कप भी जाके खेला इंडिया में, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने में जो है वो एग्री नहीं है। चलें अब्दुल्ला भाई, हम दुआ करते हैं कि दोनों बोर्ड्स अपनी अपनी टीमें उधर भेजें और इंग्लैंड की जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करें, और जो फैंस हैं उनको क्रिकेट देखने का मौका मिले, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट मैच होगा, वो देखने का मौका मिले, हम दुआ करते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने नदीम भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ हो रही है 7 मैचों की, वो 4 मैचेस तो हो गए हैं, 2-2 से बराबर है सीरीज़ इस वक्त, 5वां मैच कल होने जा रहा है, आप कैसे क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए जो पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है उसके अंदर? नदीम भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, नदीम भाई आपको आवाज आ रही है? मैं पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज हो रही है 7 मैचों की, वो 4 मैचेस हो गए हैं, 2-2 से बराबर है सीरीज लेवल पे जा रही, 5वां मैच कल है, तो 5वें मैच के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग होनी चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर? उसको इनको चाहिए कि उसको कंटिन्यू रखें, विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके जाएं, जी सेम में जाना चाहिए। स्नैन को जो है ना एंड में थोड़ी मार लगी है उसको, लेकिन उसको एप्रिसिएशन भी आया क्योंकि ना स्टार्टिंग में उसने विकेट लिए हैं दो, ठीक है, मेन विकेट लिए हैं दो, हां जी, तो 3 ओवर्स में 16 स्कोर दिया उसने पहले, जी जी, तो आखिरी ओवर उसको लग गया है, पर चले वो रिकवरी हो गई है, तो अभी स्नैन जो है अभी थोड़ा बच्चा है, उसको थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है, वो जितना खेलेगा तो उसके ठीक होगा, क्योंकि उसकी पेस वगैरह अच्छी है, उसको सिर्फ थोड़ा सा ये ना मोटिवेट करने वाले, जारी बात है इतने कोच हैं उसके पास, इतने ट्रेनर हैं उनके साथ, मोटिवेशन तो मिलती है उसे। नदीम भाई फिर भी चाहिए, नदीम भाई विनिंग कॉम्बिनेशन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन के अंदर पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है वो पाकिस्तान का कोलैप्स कर रहा है काफी अरसे से, तो क्या मिडल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान को चेंजिंग नहीं करनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है ना कोई, ऑप्शन है ना हमारे पास, हमारे पास ऑप्शन देखें जो साथ लेके गए हैं बंदे, जो साथ लेके गए हैं, ठीक है, जो यानी कि टीम जो अभी खेल रही है कराची में, जो सिलेक्ट की है उन्होंने 15 बंदों की टीम, दादी बात है उन्होंने उसमें से खिलाने हैं ना बंदे, हाँ तो हैदर अली है उसके बाद बाहर बैठा हुआ, उसके बाद आपका शदाब बैठा हुआ है, हैदर अली बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, हारिस भी बैठा हुआ है, जो शदाब का है ना, शदाब का वो कल का मैच तो खेलेगा, ठीक है, बाकी और कोई चेंज करें या ना करें, मे भी शदाब का भी जो ना कल खेलेगा, ठीक है, और दूसरी बात है कि बेंच पे आपके जो पीछे है हैदर अली है बैठा हुआ, तो हैदर अली जो है उसको 2 मैचों में चांसेस मिला है लगातार, जी तो हैदर अली साहब जो है लीग में परफॉर्म करते हैं, वो जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो वो खुश हो जाते हैं, ठीक है, चांसेस उनको मिलते हैं, आसिफ अली नो डाउट अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसकी बारी आपको पता है उस नंबरों की आती है जब 1-2 ओवरों की गेम रह गई होती है, ठीक है, उसको आसिफ अली जो है वो अच्छी सिलेक्शन है, इतिहार को इसलिए खिला रहे हैं आप क्योंकि आपके पास शुएब मलिक नहीं है, फीस नहीं है, ठीक है, वो 2 अच्छे प्लेयर थे, रिटायर हो गया शुएब मलिक जो है, उसको सियासत की नजर कर दी आप लोगों ने, हमारे जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, वो अपने जाति इतिहार की खातर जो है पाकिस्तान की टीम को उन्होंने तबाह कर दिया है, आपको भी पता है, सही है, जो हमारा चीफ सिलेक्टर देख ले
हमारे चीफ सेलेक्टर ने एक भी T20 इंटरनेशनल ही खेला हुआ। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये चीजें ठीक इस तरह होंगी राणा साहब जब हमारी सियासत खत्म होगी, जो है ना बोर्ड सिलेक्शन में, बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी में वो खत्म होगी। अब मुझे ये बताएं कि आमिर जो है इतना अच्छा प्लेयर है, उसको इन्होंने सियासत की नजर कर दी है, ठीक है उसकी तरफ से भी तहफुजात होंगे, कोई चाहिए दूर करें। पाकिस्तान को देखें, अगर नीचे से आप देखें वर्ल्ड कप में, आगे वर्ल्ड कप आमिर आ जाता है, आपका शहनशाह आ जाता है, ठीक है हारिस रऊ का साहब, उसके बाद नसीम शाह है, शबाब खान, उसके बाद मोहम्मद नवाज, और ऊपर से बैट्समैन शबीर खान आ गए, और एक बाकी का आपकी सिलेक्शन बिल्कुल जबरदस्त है। शान मसूद को चांस मिलना चाहिए था क्योंकि उसने परफॉर्मेंस की है, ठीक है उसका चांस बनता है, लेकिन अब उसको मिला के लिए वर्ल्ड कप के लिए अपनी जो है ना अपना नजर पक्का करे, टीम में जगह पक्की करे। लेकिन सिर्फ आपके ऊपर ओपनिंग पे सिर्फ मसला है थोड़ा ना इमरान भाई, ओपनिंग में नो डाउट बाबर आजम भी अच्छा प्लेयर है, रिजवान भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन आपको पता है लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इससे जो आपकी ओपोजिट टीम होती है ना उस पर बड़ा प्रेशर आता है। आप चाह रहे हैं कि ओपनिंग में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन सर उसका मेरी बात सुनिए, शर्जील खान से बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है, फखर जमान नहीं है हमारे पास, फखर जमान नहीं है हमारे पास सर, फखर जमान जो है ना वो भी 10 मैच में किसी एक में परफॉर्म कर देगा, एक में 50 कर देगा, फिर आगे 10 मैच खेल लेगा, ये कोई इस तरह नहीं होता, इंटरनेशनल आप खेल रहे हैं, आप इतने आप पे अखराजात हुकूमत कर रही है, आपको चाहिए कि आप परफॉर्म करें। उसने क्या किया फखर जमान ने एशिया कप में, आपने भी देखा ऐसे ही है, एशिया कप में इनको चाहिए था इतने अच्छे मैच जीत के एंड में श्रीलंका से हार गए इमरान भाई, आप क्या कहते हैं जो सिलेक्शन होनी है पांचवें मैच में, किसको चांस देना चाहिए, किसको मतलब के बेंच पे बिठाना चाहिए? खुश दिल की करना जे हूं, खुश दिल कि सुटना जे देखिए, खुश दिल आपको देखिए, हम आखिरी दो तीन प्रोग्रामों से यही बात कर रहे हैं, खुश दिल जो है वो हमारी चाची है, तो चाची के साथ ही निकलेंगी, चाची को अकेले भेजना किस तरह हमारा देखिए मुआशरा, हमारे जो आप कह लेंगे मजहब है वो नहीं यार, बात दरअसल ये है कि चाचे की बात करें, चाचा तो वर्ल्ड कप में जाएगा कंफर्म है, खुश दिल नहीं जा रहा, किस बेस पे आप उसकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्मेंस की है पास्ट में, उसको मद्देनजर रखते हुए, और अभी जो मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं है मिडिल ऑर्डर में, चाचे के पास एक्सपीरियंस तो है थोड़ा सा, उसको मद्देनजर रखते हुए चाचा तो जा रहा है, कन्फर्म टिकट है उसकी, अब खुश दिल नहीं जा रहा। अब पांचवा जो T20 इंटरनेशनल, खुश दिल मेरी बात सुनो ना, अगर वर्ल्ड कप में खुश दिल नहीं जा रहा तो पांचवें T20 में खुश दिल को खिलाने का मकसद क्या है, जिसको लेके जाना है उसको क्यों ना खिलाया जाए, दो मैच तीन उसको दिए जाए। जो खबरें आ रही वो यही है, नहीं ऑफिशियली नहीं है, अभी जो उन्होंने वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया उसमें खुश दिल शामिल है, तो आपको अगर आप ये कह रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस वो अच्छी है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये स्टैंड क्लियर कर दूं कि खुश दिल शाह की पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस है, तो यार ठीक है वो बात, वो डोमेस्टिक की बात, मेरी बात सुनो अगर उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है ना, तो बेशक उसको डोमेस्टिक खिलाएं,
200 मैच खिलाए डोमेस्टिक, मुझे कोई इतराज नहीं, उसकी इंटरनेशनल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और जो चाचे ने जो बॉलिंग करवाई है ना चौथे T20 में, मेरी बात सुने पहले, चाचे ने जो बॉलिंग करवाई है, उस्मान कादर वो अनफिट हो गया था, चाचे ने 23 रन दिए हैं 4 ओवर्स में। चाचा आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, चाचा जब मर्जी किसी भी वक्त एक दो ओवर चाचे से आप करवा सकते हैं ऑप्शन के तौर पर, ठीक है। और चाचा मैं इस एंगल से कह रहा हूँ कि चाचा जा रहा है, आपकी बात चाचा ने बॉलिंग करवाई है, ठीक हो गया। आपको पता है कि इंडिया का स्पॉट था, इंडिया के खिलाड़ी थे जो कि एज ए बैट्समैन उनको जो है वो सॉरी एज ए बॉलर लेके गए थे बॉलिंग में, या बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, उन्होंने बॉलिंग में कुछ नहीं किया लेकिन उन्होंने ना बहुत तेज से आगे 50 मार दी उस प्लेयर ने, वो इंडिया के जो कैप्टन थे उसने उसको नेक्स्ट मैच में जो है बाहर निकाल दिया, ताकि आपको जो है वो हम एज ए बॉलर लेके आए थे, तो आपने बॉलिंग में आपके जो है वो नील है, आपने जो है वो वो ये इस तरह की हमारे पास सैकड़ों मसाले हैं, इस तरह के सैकड़ों मसाले हैं हमारे पास, सनत जसूरिया की मिसाल है हमारे पास, एजाज अहमद की है, इंजमाम की है, ये सारे बॉलर्स ही आए थे, ये शुएब मलिक बॉलर आया था हमारे पास, शुएब मलिक भी बॉलर ही, ये बड़ी लंबी फहरिस्त है इस तरह बॉलिंग करके आके बैट्समैन बन गए, बड़ी लंबी, क्रिस गेल बॉलर आया था। वो मैं अगर चीफ सिलेक्टर हूँ ना, मैं खिलाऊंगा तो मैं एक शहीन को खिलाऊंगा, ठीक है। दूसरा मेरा बॉलर होगा हारिस रऊफ, मेरा दूसरा हारिस रऊफ, मेरी बात सुन, हारिस रऊफ होगा दूसरा बॉलर, तीसरा मेरा बॉलर होगा धानी, ना मैं वसीम लेके जाऊंगा लेकिन वो ऑप्शन के तौर पे होगा, स्नैन लेके जाऊंगा ऑप्शन के तौर पे होगा, मेरे ही तीन बॉलर होंगे, चौथा मेरे पास शदाब होगा, शदाब और नवाज होंगे मेरे पास पांच मेरे पूरे, और चाचा होगा छठा। यार बात मैचेस की नहीं है, बात है बॉलिंग सेंस की, जिस सेंस से वो बॉलिंग करता है ना, धानी बॉलिंग करता है, उस सेंस से हसनैन बॉलिंग नहीं करता, हसनैन करता है वो बस अपना पेस 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 पेस, कोई पता नहीं किधर बॉल गिर रही है किधर नहीं है, वो पेस ही आउट कर रहा है जो भी विकेट ले रहा है ना एशिया कप से लेके अभी तक, उसने पेस से ली है, मेरी बात सुन लेना पहले, जो धानी की जो सेंस है, धानी करता है लाइन और लेंथ को मेंटेन करता है, 140 पे वो बॉल करता है, सिर्फ 10 वो 148, 149, 150 पे कर रहा है, ये 40 पे कर रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी बॉलिंग स्पीड में, लेकिन धानी की जो लाइन है वो उस्मान से बेहतर है और वसीम से भी बेहतर। नाजरीन हमारा रबता मुनकता हो गया हमारे मेहमानों के साथ, तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही इमरान भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको मेरा प्रोग्राम हमारा कैसा लगा? इंशाल्लाह कल हम नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक आप हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।